हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। अभी मैंने जस्ट एक वीडियो डाला है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद द अस। ये आपका जो है सोनेट है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। इसका मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शंस में जाकर देख लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसमें कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और गाइस, अगर आपको अगर इससे फ़ायदा होगा तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना लेकर के मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूँ, जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स में आपको कुछ बेनिफिट हो। तो गाइस, आप ज़रूर देखिए। तो गाइस, लेके चलते हैं। थोड़ा स्क्रीन छोटा होगा, आप लोग अपने में बड़ा करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ दिस पोयम। तो आप लोगों को इसका आंसर सब लोगों को पता होगा। देखिए, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे ये आ गया है। चलिए, सो गाइस, आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ दिस पोयम। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है सिस्टिना, लैमेरिक, गज़ल, सोनेट। तो आप सबको पता है कि लास्ट आपका आंसर जो है वो आपका लास्ट होगा आंसर अ सोनेट। तो आप लोग सोनेट पे टिक कीजिए, ये आपका सोनेट पे टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज शॉर्ट ऑफ ए मीटर डज द पोएट इम्प्लॉय। तो यहाँ पे जो मीटर जो है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद द अस में, ये एम्बिक पेंटामीटर, विलियम वर्ड्स ने एम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया है। तो ऑप्शन इसका 4th होगा, हाउ मेनी लाइन्स लॉन्ग इन दिस पोएम। तो आपको पता ही है कि जो सोनेट होता है वो 14 लाइन्स की होती है। तो आंसर आपका 2nd होगा। वॉट गॉड फ्रॉम ए ग्रीक माइथोलॉजी आर रिफ्रेंस्ड इन द पोएम। तो लास्ट के 2 लाइन्स में यहाँ पे 2 ग्रीक जो है गॉड के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रोटेशियस जो है सी से निकलते हुए, जब सी से निकलेंगे तो उनको देखेंगे, और ट्रिटन की जो शंख की आवाज़ है उसको सुनेंगे। तो ऑप्शन जो होगा ये आपका 3 पे लग गया है, 2 सही होगा। What is the describe as a bearing her bosom to the moon in the poem? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सी का कह रहा है कि सी ने अपने शीने को मतलब ओपनली करके मून के सामने खड़ा है। तो ऑप्शन जो होगा आपका 1st होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें थोड़ा बड़ा नहीं हो पा रहा है। एक सेकेंड, मैं और छोटा क्रॉप करके ले लेती हूँ ताकि क्वेश्चंस अच्छे से दिखे। आपका थोड़ा सा समय ले रही हूँ, बट आपको ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊँगी, तो गाइस डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु रोट, हु इज़ द ऑथर, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद द अस। तो आप सबको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ है। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। चलिए, तो यहाँ से ऑप्शन 1st होगा। हु आर द गॉड मेंशन इन द पोयम। यहाँ पे गॉड आपको पता ही, मैंने पहले ही बता दिया, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, प्रोटेसेस एंड ट्रिटन। एंड व्हाट डज द स्टोरी फोकस, यहाँ पे टेकिंग लाइफ फॉर ए ग्रांटेड की बात की गई है। और व्हाट डज द पोयम कंपेयर टू द विंड। तो इसका ऑप्शन कहीं और चला गया है, तो मुझे फिर से वहाँ जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज को लेने के लिए। तो नेक्स्ट पेज यही था इसमें। तो मैंने यहाँ पे 4th का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था,
अब मैं इसको तो फोर्थ क्वेश्चन आपका हो गया कि व्हाट इज द पोएम कंपेयर्ड द विंड। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, द स्लीपिंग फ्लावर्स। यहाँ पे विंड को किससे कंपेयर किया गया है, स्लीपिंग फ्लावर से। मैंने पोएम में आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट लाइन्स डज द स्पीकर सजेस्ट दैट वी आर कंसर्न्ड विद द मटेरियल्स। तो यहाँ पे गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी आर वी ले वेस्ट आवर पावर से, ऑप्शन ये सही होगा। व्हाट डज द सी गिव टू द मून। तो मून को क्या देता है, हर्बजम देता है। जो सी होता है वो मून को क्या देता है, हर्बजम देता है। फिर इसके बाद में हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे, ज़्यादा क्रॉप करने में प्रॉब्लम हो रही है, बट नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बिग डील, आई विल मैनेज। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर ए नेक्स्ट। व्हाट डज द गिव सी गिव्स टू द मून, हर्बजम। अकॉर्डिंग टू द पर्शन, वी आर आउट ऑफ ए ट्यून, ऑप्शन आपका बी सही होगा। और फिर क्वेश्चन नंबर हम फिर चलेंगे, एट को लेंगे। क्वेश्चन नंबर एट, तो क्वेश्चन नंबर एट में द थीम गिविंग अप ए नेचर फॉर ए मेटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड हाउ इट हैज़ अ चेंज पीपुल। तो ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होगा, सही बात है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ने लोगों को चेंज कर दिया है। फिर नाइन क्वेश्चन पे, टॉप इंक्रीज द मटेरियल्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड मूवमेंट अवे फ्रॉम द नेचर, दैट इज ऑल्सो ट्रू। एंड हाउ मैनी लाइन्स इन द पोएम, यू डू यू नो, 14 लाइन्स। एंड द स्पीकर विशेज टू हैव विच टाइप ऑफ द बैकग्राउंड। तो यहाँ पे पोएट पैगन बनना चाहता था, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। एंड वॉट इज द मीटर ऑफ दिस पोएम, तो ये आपको पता है, एम्बी पेंटामीटर है। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चंस और देखने हैं, इसके बाद में आपका खत्म। चलिए, वॉट इज द टाइटल ऑफ दिस पोएम, द वर्ल्ड इज टू विद अस, ये टाइटल का नाम है। टाइटल है सोनेट का, व्हाट डिस्क्राइब हर्बजम टू द मून, तो ये आपका सी है। एंड व्हाट डज द स्पीकर शे द वर्ल्ड रेदर, दिस इज द पैगन। एंड विच टाइप ऑफ दिस पोएम, दिस इज अ सोनेट। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, डू यू नो, 7 अप्रैल 77 में जन्म हुआ था उनका, डाइड हो गए थे 23 अप्रैल को 1850 में। और विलियम वर्ड्सवर्थ एक ब्रिटिश और इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। तो ये आपके सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ी सी प्रॉब्लम है आप लोगों को कि इसमें थोड़ा छोटा दिख रहा है, बट आप यू कैन डू, आप स्क्रीन को थोड़ा बिग करके, जूम करके आप अच्छे से क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द योर एग्जाम्स। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक एंड गो सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।